Saga English Classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो कहा जाता है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ या नेगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाओ या इंट्रोगेटिव से बोल दिया जाए नेगेटिव या अफर्मेटिव बनाने को। तो हम सिंपल से क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव हो जाता है, या जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं तो हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जिनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करने के लिए उनके सब्जेक्ट बदल जाते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस हैं आइए देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को कैसे हम चेंज करेंगे, बदलेंगे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंस जो हमको कन्फ्यूज कर देते हैं कि इसको हम किस आधार पर अफर्मेटिव से नेगेटिव करें, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव करें। तो मैं एक एग्जांपल समझा दे रहा हूं और दो एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको नेगेटिव भी करने हैं और इंट्रोगेटिव भी करने हैं। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल आपका अफर्मेटिव में दिया गया है। अफर्मेटिव में सेंटेंस क्या है, समवन हेल्प्ड मी। समवन माने किसी ने, हेल्प माने मदद की, मी माने मेरी, किसी ने मेरी मदद की। अब इसको अगर हमको नेगेटिव करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सम को हटा देंगे और सम के स्थान पर राइट कर देंगे नो, तो हो जाएगा नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब अगर इसी को इंट्रोगेटिव करने के लिए बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, देख लेते हैं कि पहले ये टेंस कौन सा है। तो जब सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्प्ड जो आई है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, सेकेंड फॉर्म आ सकती है, लेकिन सब्जेक्ट के जस्ट बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा, और यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है तो हमारा वो पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। 12 टेंस होते हैं, 12 टेंसेस किसी में नहीं आती है सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको देख लेते हैं कि पहचानते हैं टेंस कौन सा है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी तो पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनिट है, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसको हम जब इंट्रोगेटिव में ले जाएंगे तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करना होता है, तो हम सबसे पहले राइट कर लेंगे डिड। इसके बाद जो हमारा समवन आया था जिसको हमने नो वन किया था, अब इसी को जब इंट्रोगेटिव में ले जाते हैं तो ये हो जाता है एनीवन, यानी अफर्मेटिव होगा तो समवन, नेगेटिव होगा तो नो वन, और इंट्रोगेटिव होगा तो एनीवन, यानी सम को नो में और फिर एनी में हम परिवर्तित करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के आधार पे। अब यहाँ पे हम पहले हेल्पिंग वर्ब राइट कर लेंगे डिड, और फिर समवन या नो वन जो दिया होगा उसको हम चेंज कर लेंगे एनी वन में। फिर ध्यान रखना कि जब पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं तो डिड जब भी लग जाता है किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, फिर डिड लग जाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे हम हेल्प्ड की जो है फर्स्ट फॉर्म राइट कर लेंगे, तो हेल्प्ड सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो हेल्प हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या है, मी, तो मी को राइट कर दिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट आपको दो सेंटेंस मैं और दे रहा हूँ जो आपको नेगेटिव भी बनाने हैं और इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं। जैसे मैंने अभी अफर्मेटिव दिया था, अफर्मेटिव से नेगेटिव भी किया और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव भी किया, तो आपको भी जो वाक्य दिए जा रहे हैं उनको नेगेटिव भी करना है, इंट्रोगेटिव भी करना है। तो पहला सेंटेंस है Somebody loves her. Somebody मतलब कोई लव्स माने प्रेम करता है, हर माने उससे, कोई उससे प्रेम करता है। अभी आपको नेगेटिव भी करना है और इसका इंट्रोगेटिव भी करना है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है He had gone somewhere. वह जा चुका था, somewhere माने कहीं, वह कहीं जा चुका था। अब इसको आपको नेगेटिव भी करना है और इंट्रोगेटिव भी करना है, दोनों इसके बना के आपको सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स,
अगर समझ में आया है तो इसको जो है नेगेटिव और इंट्रागेटिव करके अभी भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।